So, hey guys, क्या हाल चाल है यार। आई हो सब लोग बढ़िया हो यार। तो मैं लेके आ चुका हूँ बी आर रिंक एकदम तबाही वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो आज का जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। सो आपके यहाँ पर डिमांड पेन हो रहा है और देखो इसमें साथ कमेंट करते रहते मेरे सब्सक्राइबर यार। तो मेरे यहाँ पर दो सब्सक्राइबर ने यहाँ पर कमेंट किया था, उन लोगों ने भी दोनों एक ही कैरेक्टर के ऊपर बोला था। आप तो देख सकते हो अंशु भाई और राहुल भाई ने बोला था कि मैक्सिम कैरेक्टर के ऊपर बेस्ट लक कैरेक्टर कौन से लेकर आ गया। तो हमारा राहुल भाई और यहाँ पर अंशु भाई के भाई दिल से मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया। आप भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यार हमारे मैक्सिम कैरेक्टर के लिए बेस्ट लक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो क्या करना है आपको, जो फर्स्ट इस आपको यूज करना है कैरेक्टर में उस कैरेक्टर का नाम है गाइस मैक्सिम कैरेक्टर। गाइस अब मैक्सिम कैरेक्टर स्किल आप लोग जानते हो यार, इसका स्किल यह है गाइस आप लोग मेडकिट मारते हो या मशरूम करते हो कोई यूज करते हो तो 25% यहाँ पर फास्ट करता है गाइस। ठीक है, कोई भी काम करता है तो 25% फास्ट करता है जिससे बंदे के नाक के नीचे से आप लोग भी आराम से लोग मेडकिट मार सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक बंदा सामने आया, अब देखो इस बंदे को मैं नॉक कर दिया। आप देखो मेरा एचपी कितना हो गया, एकदम कम हो गया गाइस। ठीक है, आप देखो देखो मैं मेडकिट मार रहा हूँ कि देखो कितना है बस फास्ट, देखो गाइस कितना फास्ट। आप तो दो मेडकिट मारोगे ना तो आराम से आप बस 5 मेडकिट मार लेगा, इतना मैक्सिमम कैरेक्टर का यहाँ पास पावर है गाइस। ठीक है, आप देखो एक बंदा और यहाँ पास आ चुका। अब मैं क्या करूँगा, इधर से मैं उसका रस करूँगा गाइस। ठीक है ना, आप देखो जैसे रस करूँगा ना फिर से मेरे को डैमेज देगा। अब यार देखो बंदे को फिर से मैं नॉक कर दिया, अब फिर से मेरे को डैमेज लगा। देखो मैं आराम से देखो कितना बस फास्ट है बस मेरे किट मार रहा हूँ, आप लोग यहाँ पास देख सकते हो यार। तो मैक्सिम कैरेक्टर के यही पावर है, आप लोग आराम से आप लोग सुपर फास्ट आप लोग मेरे किट मार सकते हो मैक्सिम कैरेक्टर की मदद से गाइस। तो समझ लीजिए गाइस आपको फर्स्ट में आपको यूज करना है मैक्सिम कैरेक्टर को। बहुत लोग इसको यूज करते हैं, मेरे को पता है यार मैक्सिम कैरेक्टर भी बहुत लोग यूज करते हैं, तो आप लोग भी मैक्सिम कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। तो आप तो हो गया भाई चलो मैक्सिम कैरेक्टर का यूज कर लेंगे यार, लेकिन हम लोग एक्टिव कैरेक्टर में कौन से कैरेक्टर का यूज करेंगे और यहाँ पर दो पैसिव कैरेक्टर होता है उसमें हम लोग कौन कौन सा कैरेक्टर को यूज करेंगे यार। ठीक है ना, तो आप एक्टिव कैरेक्टर की बात करते हैं। देखो बस एक्टिव कैरेक्टर कोई भी एक्टिव कैरेक्टर यूज कर सकते हैं यार, लेकिन पर्सनली यार मैंने सारे एक्टिव कैरेक्टर को मैंने यूज किया। आप देखो यहाँ पास देखो सारे यहाँ पास एक्टिव कैरेक्टर है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगा, देखो इतने में से सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगा पर्सनली मैंने यूज किया है उसको लगा भाई डीजे आलोक। ठीक है, अगर आप डीजे आलोक के साथ यूज करते हो मैक्सिम कैरेक्टर को तो आपको मस्त वाला बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों, देखो गाइस अगर आप लोग डीजे आलोक के साथ यूज करते हो तो आपको साथ साथ आपको मूवमेंट स्पीड मिलता है 15% यार, जिससे आप लोग कवर में जल्दी जा सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको वही टाइम में आता 30 HP आपको मिलता है। ठीक है, 10 सेकंड के लिए आपको 10 सेकंड आपको 3-3 करके आपको 30 HP आपको मिलता है। तो इसीलिए मैं डीजे आलोक नाइस वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर गाइस। अगर देखो यहाँ पास दो बंदे थे गाइस, तो मैंने क्या किया देखो डीजे आलोक को यूज किया और सुपर फास्ट में यहाँ पास आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर दो बंदे थे, एक बंदे को नॉक कर दिया था, इसको फिनिश कर दिया। अब देखो भाई ये बंदा भी मेरे ऊपर रश कर रहा था तो मैंने क्या किया वॉल लगाया। अब देखो तुरंत यहाँ पास रश कर दिया और बंदे को भाई काम तमाम कर दिया था। आप लोग भाई डीजे आलोक का यूज कर सकते हैं यार, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है यहाँ पास मैक्सिम कैरेक्टर के साथ आप लोग डीजे आलोक का यूज कर सकते हो। अब देखो इस बंदे को डैमेज दिया, अब मैं क्या करूंगा डीजे आलोक को यूज करूंगा। अब देखो बंदा ही देखो यहाँ पास आ गया और बंदा भाई उधर देख रहा था कि बंदा इधर से आएगा, लेकिन मैं इधर से घूम के आ गया और बंदे के पास पता भी नहीं चला गाइस। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको एक्टिव कैरेक्टर आपको यूज करना है डीजे आलोक गाइस, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर यार मैक्सिम कैरेक्टर के साथ गाइस। अब बात करते हैं कि हम लोग दो स्किल यहाँ पास खाली है, इसमें और कौन कौन सा स्किल को लगाएंगे। तो बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर स्किल की, तो सेकंड कैरेक्टर स्किल आपको लगाना है दशा कैरेक्टर का। ठीक है, अगर आप लोग दशा कैरेक्टर लगाओगे मैक्सिम कैरेक्टर जैसा तो आपको भाई तबाही कैरेक्टर बन जाएगा। क्यों, देखो दशा कैरेक्टर क्या करता है, जैसे बंदे को आप लोग नॉक करते हो उसके बाद आपको गन करेक्ट उठा रहा है वो यहाँ पास 18% बढ़ जाता है गाइस। ठीक है, और साथ आपको मूवमेंट स्पीड यहाँ पास 12% तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर दो बंदे थे गाइस, ठीक है दो बंदे थे तो मैंने क्या किया एक बंदे को यहाँ पर डैमेज दिया और आप लोग देखना गाइस। ठीक है, मेरा मूवमेंट स्पीड कितना हाई हो जाएगा आप लोग यहाँ पास खुद देखना। देखो मैं डीजे आलोक को यूज किया, ऊपर देखो भाई एक बंदा बस मेरे को घेरने का यहाँ पास प्रयास कर रहा था, तो मैंने क्या किया आराम से यहाँ पर वेट किया। अब देखो जैसे बंदा बाहर आया देखो उसने दो हेडशॉट मार के बंदे को मैंने नॉक कर दिया और वो बस सोनिया कैरेक्टर का यूज
कर रहा था, तो मैंने क्या किया, आराम से आपस नीचे से मैं रस कर देखी हूँ, तो वो बंदे को नॉक किया था मैंने, तो मेरा मूवमेंट स्पीड है वो यहाँ पर 12% यहाँ पर इंक्रीज हो गया था। देखो भाई बंदा उसको तुरंत रिवाइव करने के लिए आ गया था, और आप लोग देख सकते हो जो मेरा मूवमेंट स्पीड है वो बस कितना हाई हो चुका है। अब सामने एक बंदा था यार, लास्ट बंदा इसको बचा था, तो मैंने क्या किया थोड़ा सा उसको डैमेज देने का प्रयास किया। अब देखो इस सामने में था, तो मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पास ग्रेनेड था गाइस, ठीक है, जो गुलवाल फोन वाला ग्रेनेड था, अगर कवर में गया तो मैं क्या था डीजे लॉक का यूज़ करूँगा। देखो डीजे लॉक यूज़ किया, देखो तुरंत इधर आ गया भाई बंदे को, यहाँ बस पता नहीं चला कि मैं कब इधर आया गए, ठीक है ना। आप लोग भाई चकमा दे सकते हो यार, आप लोग यहाँ दशा कट्टा यूज़ करते हो, चकमा देते बंदे को आप लोग काफ़ी सारी जगह से मार सकते हो यार। तो क्या करना है आपको, जो दशा कट्टा है उसमें आपको यूज़ करना है, काफ़ी ओपी कट्टा है यार, आपको जो गन करट उठा रहा है वो एकदम से भाई बढ़ जाता है, एकदम भाई मतलब 18% सोच सकते हो, 18% आपको बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है गाइस, ठीक है ना। तो आपको यूज़ करना है सेकंड करेक्टर स्किल, आपको यूज़ करना है दशा करेक्टर गाइस, समझ गए। अब बात करते हैं कि लास्ट में हम लोग कौन सा करेक्टर का यूज़ करें यार, तो लास्ट में आपको यूज़ करना है हायातो करेक्टर गाइस, ठीक है। अगर आप लोग हायातो करेक्टर का यूज़ करते हो गाइस, तब तो भाई पूरा भाई तबाही, पूरा गेम चेंज होने वाला है। क्यों, देखो अगर आप लोग हायातो करेक्टर का यूज़ करते हो और आपको डैमेज लगता है, ठीक है, जैसे आपको डैमेज लगा, जितना आपको डैमेज लगेगा ना, जैसे उसके बाद आप लोग मारोगे तो आपका डैमेज उतना ही हाई होने वाला है, ठीक है। और जैसे आपको बंदा ज़्यादा मारेगा ना, तो आपके यहाँ पर ज़्यादा डैमेज लगने नहीं वाला है, कि अमर प्रदर्शन होता है ना वो यहाँ पर एकदम से कम हो जाता है बंदा आपको मारेगा। तो आप यहाँ पर देखो पूरा स्कॉट था, ठीक है, मैं उसको डैमेज दिया, एक बंदे को नॉक कर दिया, और यहाँ पर भाई पूरा टीम मेट उसको रिवाइव करने के लग गए, तो मैंने क्योंकि वार्ड हुआ मैंने। अब यहाँ पर देखो पूरा स्कॉट को मैं कैसे मारूंगा, मेरा टीम मेट यहीं आपस भी है, ठीक है, टीम मेट है वो, बस सारे टीम मेट यहाँ बस पहुँच चुके हैं वहाँ पास। अब देखो एक बंदा आया, एक बंदे को मैं फिनिश कर दिया, एक बंदा और यहाँ पास आया, इस बंदे को भी नॉक कर दूंगा मैं, देखो नॉक कर दिया। अब देखो और भाई और स्कोर यहाँ पास आ जाते हैं, ठीक है, देखो इस बंदे को दो बंदे को और यहाँ पास नॉक कर दिया, एक बंदे को फिर से यहाँ पास क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पास क्या होता है देखना, गया एकदम तबाही वाला यहाँ पास मैच हुआ यार, तो भी देखो आप सकते हो अब बस 26 बंदे आ रही है। देखो फिर से आया, एक बंदे को फिर से नॉक कर दिया और उसको यहाँ पास क्लियर कर दिया, उसको भी रिवाइव करने के लिए बंदा और यहाँ पास आ चुका। अब देखो यहाँ पास कि मेरे को बस कितना पर डैमेज लग चुका है। अब देखो मैं आराम से मेकिट मार रहा हूँ, देखो बंदा भाई क्या कर रहा है, मेरे को घेरने का प्रयास कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको लगा था उसको हेड शॉट मारा था मेरे को यार, मेरे को एकदम से हेड शॉट मारा था, तो बंदे को लगा कि मैं इसे हेड शॉट मारा हूँ, आराम से आप बस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। लेकिन मेरे पास था इस मैक्सिम कट्टर यार और हायातो कट्टर, तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना आपस तबाही वाला मैच होने वाला है यार, आपका भी हो सकता है अगर आप लोग इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि बंदे भाई कितना चुन चुन के बंदे को मार रहा हूँ, और यहाँ पर 8 बजे बस देखो 5-6 बंदे का बस इजी बंदे को मार दिया गया, समझ सकते हो। तो आपको मैक्सिम कट्टर के साथ यूज़ करना है, लास्ट टाइम आपको यूज़ करना है हायातो कट्टर गाइस, ठीक है। अगर आप लोग मैक्सिम कट्टर का यूज़ करते हो गाइस या करना चाहते हो, तो आप लोग इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हो गाइस, काफ़ी आपस तबाही वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा यार, वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो गए सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा कट्टर कॉम्बिनेशन का वीडियो चाहिए गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद यार, जय भारत गाइस।